उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। इसका सीधा कारण यह है कि यहां से आजम खान सांसद हैं, तो वहीं उनकी पत्नी के साथ उनके एक करीबी दो अलग अलग विधानसभा सीटों से विधायक हैं। आजम खान इन दिनों जेल में है और मौजूदा वक्त में विधानसभा का चुनाव पूरे शबाब पर है। चंद रोज यानी 14 फरवरी को यहाँ की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन ठीक है, उससे पहले ओवैसी ने दस्तक दी। हालांकि वह यहां पर एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करने आए। उनका यह अचानक दौरा किसी चुनावी रैली के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मीडिया से रूबरू होकर कैमरे पर वह सियासी तीर जरूर छोड़ते नजर आए। असुद्दीन ओवैसी ने हिजाब प्रकरण पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह महिलाओं की प्राइवेसी का इशू है और भारत के संविधान फंडामेंटल राइट्स का इशू है। यह 3 चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि हिकमत के नाम आप बुजदिली करेंगे तो फिर ये गलत होगा। असुद्दीन ओवैसी ने आजम खान के जेल में रहकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और कर रहा हूं कि वह जो मुश्किलात और मसाइज में हैं, अल्लाह उनको इससे राहत दे। बताया कि अखिलेश यादव खुद भी मुसलमानों पर या हिजाब पर बोलने से डर रहे हैं, सवाल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आपके टीवी चैनल पे दिखाया गया, बोले ऊंचा बोलो। अरे लफ्ज मुसलमान में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे उत्तर प्रदेश के आप सके समाज के ऊपर? चलो ठीक है, आपको शिविर के बराबर में सर, शिविर का आप टेंशन ना लें, हम पहुंचा देंगे। सबसे पहले तो ये महिलाओं के एम्पावरमेंट का इशू है, महिलाओं के प्राइवेसी का इशू है और भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का इशू है। ये 3 चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको जो उर्दू में कहते हैं ना कि हिकमत के नाम पर अगर आप बुजदिल करेंगे तो फिर ये गलत होगा। बट आजम खान भी यहाँ से खड़े हैं और उन्होंने भी कई बार इस तरीके के जो अल्फाज हैं बोले हैं मुसलमान महिलाओं पर या फिर अलग महिलाओं पर, क्या आपको लगता है कि इस बार क्योंकि वो जेल में है उनका कुछ यहाँ पर वर्चस्व रह गया है रामपुर में? नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और कर रहा हूँ कि वो जो मुश्किल और मसायब में है अल्लाह उनको उससे राहत दे रहा इंशाअल्लाह।